सभी को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। टाइटल देख के आप सब आए हो तो निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, एक एक चीज एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखो अब तक हमारे चैनल पे ना इस टॉपिक पर द हॉन्टेड वाटर टैंक इस टॉपिक पर टोटल अब तक 7 वीडियो आ चुकी हैं। 7 वीडियो मतलब इन द सेंस अब तक 3 बार हम गए हैं और 3 बार में से पहली बार जो हम गए थे उसके 3 पार्ट बने थे, सेकेंड टाइम में शायद 2 और अभी जो लेटेस्ट आए ये 2, तो 7 वीडियोस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उतनी ही ज़्यादा सीरियस ये लोकेशन थी जितनी कि आप कह सकते हो कि अंबाला होटल। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्ट जिन्होंने अभी ये लेटेस्ट पार्ट्स देखे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और आप सभी भी समझना इस वीडियो को कि पूरी वीडियो देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि लाइसेंस ऐप फॉर अ पेट और उसके सबसे कूल गेम एविएटर के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल गेम है जिसको आप थोड़ी सी देर खेलकर हजारों कमा सकते हो। मैं पर्सनली इसको खेलता हूं और आज बहुत ज्यादा खुश भी हूं कि इसी प्लेटफॉर्म का स्पॉन्सर है। इसका तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, बस बैठ करो और आपका प्लेन टेक ऑफ करेगा। आपका प्लेन जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा पैसा आप बनाओगे, लेकिन ध्यान से अगर आपने टाइमली कैश आउट नहीं करा तो आपका प्लेन क्रैश भी हो सकता है। सो आई रिकमेंड कि ज्यादा वेट ना करें। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। मैंने बैट किए 1000 रुपीज, प्लेन ऊपर जा रहा है, कैश आउट वाओ 1650 रुपए, फिर से करते हैं, प्लेन ऊपर जा रहा है, ऑलरेडी 2 times है, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times कैश आउट। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 30 seconds में 5000 से भी ज्यादा कमा लिया। अब करते हैं विड्रॉल और ये आ गए पैसे। आप फॉर अ बेट से इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। फॉलो द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन और पाएं 200% बोनस अप टू 20,000 रुपीज। तो अभी जाए और खेले सिर्फ फॉर अ बेट पर। तो करीब दिवाली की बात है, जब दिवाली से शायद हम 1-2 दिन पहले या फिर एग्जैक्ट नहीं कह सकता ना, या 1-2 दिन बाद हम इस लोकेशन पर पहुंचे। एक सब्सक्राइबर के थ्रू ही हमें लोकेशन पता लगी थी। और क्या होता है, एक लोकेशन तब तक एक नॉर्मल लोकेशन होती है जब तक आप जाके उसको है ना डिस्क्राइब या फिर उस लोकेशन को जाकर फील नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप वहां पर पहुंचते हो ना, वो लोकेशन क्या पता इतनी ज्यादा खास और क्या पता इतनी ज्यादा बेकार, वो आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। हमारा जो ये फील्ड है ना, ये क्या है, आप इसमें कुछ भी है ना, प्रिडिक्शंस 0 होती है आपकी, कुछ भी हो सकता है। मतलब कह सकते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपके सामने आ सकता है, कुछ भी। और वो वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर कितनी ज्यादा बोरिंग बनती है वो वहां के हालात ही डिसाइड करते हैं। करीब दिवाली के आसपास की बात है, हम यहाँ पर पहुंचे एक नॉर्मल वाटर टैंक। बहुतों के लिए ये नॉर्मल ही हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये पहले से ही डरावनी थी, क्योंकि ये बात तो डिसाइड थी कहीं ना कहीं कि हमें इस वाटर टैंक के अंदर उतरना है। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा घबराने वाला था पहले से ही, बिकॉज मुझे फोबिया है। मैं किसी बंद जगह या फिर किसी गुफा के अंदर या फिर किसी वाटर टैंक के अंदर, मेरे को लगता है मेरा दम घुट जाएगा, ऐसी चीजें मेरे साथ होती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये सब कंट्रोल करके हम गए। सबसे पहले तो ना मैं सारी वीडियो की क्लिप्स चलाऊंगा इसमें। 3 बार मैंने विजिट किया, तीनों वीडियो की मैं क्लिप्स चलाऊंगा ताकि मेरे न्यू व्यूअर्स को ना हर एक चीज क्लियर हो जाए। और पहली बार मैं जो गया था और एंड टाइम पे जो मैं गया था, वो सारी चीजें उनके लिए, उनको ढूंढनी ना पड़े, खंगालनी ना पड़े, सब कुछ यहां पर मिल जाए। तो सबसे पहले आप देखो कि हुआ क्या था फर्स्ट टाइम, और इसके अंदर आपको सुनने को मिलेगी कि क्या यहाँ की हॉन्टेड स्टोरी थी। मियां बीबी की कहा सुनी एक हादसा बन गई, कब और पता ही नहीं चला। बीवी घरेलू झगड़े के बाद टंकी के ऊपर चढ़ती है और टंकी के अंदर कूद कर अपनी जान दे देती है। टंकी से नीचे नहीं, टंकी के अंदर कूद कर बचाने के लिए उसका पति दौड़ा। टंकी पूरी ऊपर तक भरी हुई थी और वो भी बच नहीं पाया। काफी लोगों ने तो ये भी कहा कि कई बार खून आया पानी के अंदर जब वो चलाते हैं पानी की टंकी। यहाँ पर कई बार यहाँ से झूलते दिखते हैं उनको वो मियाँ बीवी। भाई बहुत डरावना टाइप है भाई ये, इस के अंदर जाना और एकदम से ना भाई यहाँ का टेम्परेचर तो अलग होगा ही, बहुत ही ज़्यादा घुटन हो गई है। और ऊपर से
ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था मेरा पहली बार। अब जब मैं पहली बार गया ना, क्या होता है जब भी आप पहली बार किसी हॉन्टेड लोकेशन में जाते हो ना भाई, मैं ना बहुत बड़ा कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, मैं एक छोटा सा हॉन्टेड व्लॉगर ही अभी भी हूं, सीख रहा हूं मैं। और इसमें बहुत ज्यादा मदद मेरी आप सब करते हो कि भाई आपको ये कर लेना चाहिए था, आपको ये कर लेना चाहिए था। 80% सजेशन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो मैं जरूर एडमायर करता हूँ कि, और मैं कोशिश करता हूँ कि आगे आने वाली वीडियोस में ना ये सजेशंस काम में लूँ। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हम हॉन्टेड अम्बाला होटल गए थे जब, तो वहां पे मैंने ना मोशन सेंसर साइड में रख दिया था, तो बंदों ने बोला भाई ये आपने गलत करा। बहुत सारे बंदों के तो क्वेश्चंस थे कि वहां पर कोई है कोने पे, आपको बीच में मोशन सेंसर लगाना चाहिए था। आगे आने वाले टाइम में मैंने हर बार जब भी मोशन सेंसर लगाया बीच में लगाया, क्योंकि ये चीज आपने इम्प्रूव कराई। फिर आपने बोला जब आप मोशन सेंसर लगाए थे ना, तब आपको नाइट विजन कैमरा वहां पे प्लेस करना चाहिए था, तो वो भी बात मैंने एडमायर करी। आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए वो भी लेके आया। तो ऐसे ही जब मैं फर्स्ट टाइम यहां पर विजिट किया, तो बहुत सारी चीजें और गलतियां आपने मुझे बताई कि शायद ऐसे ऐसे आप कर सकते थे और ये चीजें आपके साथ हो सकती थी। लेकिन क्या होता ना, जैसे मैंने आपको बोला मैं अभी सीख ही रहा हूं और आप सब मेरा इसमें साथ दे रहे हैं, तो जहां तक पैरानॉर्मल स्टडी करी है ना, ये चीज आपके सामने तो नहीं आ सकती बहुत आसानी से। आपको चुपके से, चालाकी से, होशियारी से इसको किसी ना किसी तरीके से कैप्चर करना होगा, और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, हम यहां पर गए सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम की आप क्लिप्स देखो, पहले चारों तरफ देख, चारों तरफ कैमरे में देख भाई, आवाज तो बहुत क्लियर है। क्या कोई है अब? जल्दी तो यहां पे कोई ऐसी शक्ति है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो? यहां पर कोई आत्मा है? यहां पर कोई ऐसी चीज है जो जीवित ना हो? क्या आप चाहते हैं हम यहां से चले जाएं? तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें? चल गई। तो क्या आप हमें मारना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ चलते हैं, चलते हैं। कोई रोनों की आवाज इतनी तेज आ रही है, कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकने लग गए हैं एकदम से। बंदों पे क्या यहाँ पे हम दोनों के अलावा और कोई है? मैं राकेश से जितनी मर्जी बातें कर लूं, कुछ भी कर लूं, अब तो अभी तो जलना चाहिए ना ये, अब जल नहीं रहा, लेकिन मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन पुट करूंगा, जैसे ही कोई सवाल पूछूंगा, वैसे ही मोशन सेंसर आंसर करेगा। अब जैसे कि मैं जानना चाहता हूं, क्या यहां पर कोई आत्मा है जिसका वास है? राकेश जा चुका है और मैं भाई बिल्कुल अकेला हूं इस टाइम यहां पे। मोशन सेंसर ये लगा हुआ है और इसकी बैटरी भी है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और दूसरी वाली लाइट वो ले के जा चुका है। मेरे पास सिर्फ एक लाइट है और वो है ये मोशन सेंसर, तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ अभी। क्या अब हमें अपने होने की मौजूदगी और किसी तरीके से एहसास दिला सकते हैं? ओ भैंस की आंख, ओ गाइस, और मोशन सेंसर देखो उधर पलट गया, मोशन सेंसर का मुंह उधर घूम गया है, ये देखो। भाई यहां से निकलना ठीक रहेगा मुझे लग रहा है। भाई आवाज देख रहे हो कैसे आ रही है? ये देखो आवाज कैसे आ रही है बाहर से, भाई 110% अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो वो यहाँ पे है। छोटी चीजें नहीं चाहती नहीं मैं यहाँ से जाऊँ, और मेरे मन में ना उल्टी सीधे ख्याल आ रहे हैं कहीं मैं ऊपर की साइड जाऊँ और अपने आप ऊपर वाला
गेट बंद हो जाए भाई, मेरे को फोबिया हो रहा है अजीब सा। और ये आवाज कैसी आ रही है पास से? लगता है वो नीचे चला गया। ये आवाज सुनो, कुत्ते रोने लग गए बहुत तेज़ से। सुनो गाइस, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा, मोशन सेंसर उठाना पड़ेगा। तो आपने सेकंड टाइम की क्लिप्स भी देख ली। अब सेकंड टाइम में क्या हुआ, ये जो आवाजें है ना लास्ट में, ये खुद बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, ये खुद बहुत ज्यादा डरावनी है, ये खुद पता है क्या होता है, एक वीडियो देखना और एक वहां पर वीडियो बनाना, फर्क बहुत ज्यादा है। बिकॉज माइंड में ना, जब आपको पता है कि आप कहां पर हो, एक हॉन्टेड प्लेस पर, देखो आप मानो ना मानो, कहीं ना कहीं लाइफ आपकी रिस्क पे होती है ऐसी जगह। जो भी हर एक उस बंदे को आपको एडमायर करना चाहिए जो हॉन्टेड वीडियोस आज के टाइम पे बना रहा है, चाहे वो कोई भी हो। कहने को वो मेरे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, लेकिन हर कोई जो वो काम कर रहा है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। वो लाइव रिस्क पे लेके अपनी ये काम कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट है सभी की। बाकी क्या होता है, जब आप जाते हो ना एकदम से, आपका माइंड एकदम से, कुछ आवाजें ऐसी आती है ना, आपको लगता है कि आवाज है, ये तो नॉर्मल आवाज हो सकती है, उस टाइम पे आपका माइंड आपका अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है अब हम स्ट्रांग हो गए हो ऐसी जगह पर जा जाकर, या फिर हमारा माइंड अब थोड़ा सा ना डेवलप हो चुका है कि हम फिर भी कोशिश करते हैं कि वहां पर टिके रहें और देखें कि क्या है इसकी सच्चाई। तो सेकंड टाइम पे जब मैं गया, तो ऑलवेज पहले से ये देखा जाए तो अलोन चैलेंज हो गया था, क्योंकि मैंने वीडियो के हाफ में ही राकेश को भेज दिया था वहां से बाहर। लेकिन सेकंड एपिसोड जब आपके सामने आया, सेकंड टाइम विजिट का जब ये दो एपिसोड आपके सामने आए, तब भी आपकी ये डिमांड आई कि आपको अकेले जाना चाहिए। मैंने कहा चलो भाई ये भी ट्राई करते हैं। फिर मौका मिला, फिर हम अकेले पहुंचे। कुछ बना हुआ है यहाँ पे, कुत्ते देख रहे हो कैसे रोना शुरू कर दिए। चले करें फिर स्टार्ट इस मौत के मुंह में अंदर जाने की तैयारी। हाँ, अरे जय श्री राम। यहाँ पर कोई है जो हमसे बात कर सकता है? यही होता है यहाँ पर, वहाँ पे ना बाहर होता है तो अंदर से आपको आवाज़ें लगती हैं, अंदर होते हैं तो बाहर की साइड से आवाज़ें लगती हैं। अगर मेरे पीछे कोई है, पीछे की साइड अंधेरा है, तो मुझे इस बार बड़े सर की तरह कोई है, कोई है। अब अकेले जाने में होता क्या है, देखो अकेले जाने में ना बहुत बड़ा आपका माइंड पहले से ही टूट चुका होता है। आपके साथ एक बंदा भी होता ना, तो आपको बहुत बड़ा एक मोरल, आप पहले से स्ट्रांग हो चुके होते हो, मोरल सपोर्ट मिल चुका होता है आपको पहले से किसी एक बंदे के साथ। आप जब अकेले होते हो ना, तो आपका माइंड अलग ही तरीके से काम करता है, अलग ही फंक्शन, आप अलर्ट होते हो, आप भी कहीं भी जाओगे ना अलर्ट रहोगे। कैमरे पे तो फोकस ही नहीं होता हमारा, यूं ही आता है बस, भाई क्या होगा। तो जब मैं थर्ड टाइम ये पहुंचा यहां पर, तो वही चीजें दोबारा डेवलप होने लगी यहाँ पर। अब क्या है, किसी भी जगह को, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हम जो कॉन्क्लूजन तक पहुंच सकते हैं वो यही होता है कि क्या वो जगह पैरानॉर्मल है, तो हाँ ये जगह
110% एक पैरानॉर्मल जगह है जहां पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर और कोई ना कोई स्ट्रांग एनर्जी जरूर है। अब पैरानॉर्मल स्टडी में इस चीज का भी जिक्र किया गया, जो पानी के आसपास की जगह होती है ना, यहां पर जो एनर्जीज होती हैं ये खुद में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ये पानी से एनर्जी अपनी जो होती है, इनको सोर्स जो एनर्जी का मिलता है वो पानी से मिलता है, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये भी एक थ्योरी है। तो अब जो लास्ट में आपने देखा, अब मुझे नहीं पता वो लास्ट में जो एकदम से मैं क्या हुआ, मैं पानी में गिर गया हूँ, उसके बाद वो वीडियो रुक गई बिकॉज वहां पर मैं फोन से ही शूट कर रहा था और फोन जब पानी में गया था उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए फंक्शन उसने करना बंद कर दिया, इसलिए आगे की वीडियो नहीं बन पाई। अब मुझे नहीं पता मेरा पैर कैसे स्लिप हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, मुझे सीरियसली नहीं पता कि क्या हुआ है इस लोकेशन में मेरे साथ, और मैं क्यों एकदम से, या फिर मैं पता नहीं इतना ज्यादा पैनिक था या फिर मैं इन आवाजों से, मुझे नहीं पता। सीरियसली मैं ब्लैंक था और मुझे सच में नहीं पता लगा कि वहां पर हुआ क्या है। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है कि अब मत कमेंट करना कि यहां पर जाओ, अब करते हैं नई लोकेशंस को डिस्कवर और नई चीजों को डिस्कवर। ठीक है, ज्यादा डिमांड करोगे तो देखेंगे आगे जाके। बाकी यही था, इस वीडियो को मेरे को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना था ताकि जिसने अब तक ये वीडियो नहीं देखी उसके लिए सारी चीजें मैं एक साथ इसी पैकेज में लेके आऊं। शॉर्ट में कोशिश करिए ये वीडियो रखने की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करना, कमेंट करके आप क्या सोचते हो मैं जरूर जानना चाहता हूँ, सीरियसली जरूर कमेंट करके बताना। और लाइक भर भर के चाहिए मुझे, ठीक है, मोटिवेट होता हूँ आपके लाइक से मैं। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लोकेशन पे, और हाँ नेक्स्ट लोकेशन कहाँ की चाहिए वो भी बता देना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। This is not just a video. This could be your reality too. Get ready to be a part of an exciting online gaming and betting app, Forabet, which has come up with an interesting tournament. Forabet pe IPL dekhna bahut hi fun aur exciting hai. Is tournament mein prize pool 10 crore rupees ka hai. Saath hi hain bikes, phones aur kai sare cool prizes. Sirf itna hi nahi, the grand prize is BMW Z4. तो आज ही साइन अप करें फोराबेट पे। इस ऐप के बेनिफिट्स मिस ना करें। यह सेफ एंड रिलायबल विद फास्ट रजिस्ट्रेशंस एंड पेआउट्स।